नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू 48 ऑटोमोबाइल्स। मैं आपका होस्ट रोहित अपने भाई करण के साथ आज आपके लिए बहुत ही शानदार वीडियो लेके आने वाला हूँ। जैसे कि आप मेरे साथ में देख सकते हो, दिस इज़ दी ऑल न्यू स्कॉर्पियो एन Z4 वेरिएंट ऑटोमेटिक के साथ में आती है। तो ये जो है ऑन रोड बैंगलोर अराउंड 20 लाख की हो जाती है, बट देन एक्सशोरूम की कीमत अभी आपको फ्लैश करते हुए दिख जाएगी। वेरी वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट बोल सकते हो आप इसको, अगर आपको मैनुअल में वगैरह चाहिए तो। ये ऑटोमेटिक के साथ में है तो आपको अंदर से भी इंटीरियर से भी दिखा दूंगा कैसा दिखता है ऑटोमेटिक का, जिसका जो गियर बॉक्स है। बाकी आप सबसे पहले इसका फ्रंट का लुक देख सकते हो। आपको यहाँ पे डुअल बैरल हेडलाइट्स मिल जाती है, प्रोजेक्टर सेटअप नहीं मिलता है, नॉर्मल सेटअप है, बट देन लुक्स वेरी नीट एंड नाइस। यहाँ पे आपको साइट एंड इंडिकेटर्स दिए गए हैं, यहाँ पे आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। तो जो फॉग लैंप आता है या जो स्कॉर्पियोस का जो स्टिंग आता है वो आपको यहाँ पे नहीं दिए गए हैं, एकदम प्लेन है। वो शायद आप आफ्टर मार्केट अगर कुछ आगे ऑप्शन आ जाए तो लगा सकते हो। बाकी आप इसका ग्रिल देख सकते हो, वर्टिकल स्लैटेड ग्रिल मिल जाती है, पूरे आपको डल ग्रे फिनिश में दी गई है। ये जो हाईलाइट्स है काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं। यहाँ पे आपको मेन महिंद्रा की ब्रांडिंग मिल जाएगा, ट्विन पिक्स मिल जाते हैं आपको, लुक्स वेरी नाइस। बाकी अगर आप इसका जो फ्रंट का जो स्टैंड है वो देख सकते हो, पूरा ह्यूज लगता है और इस रेड कलर में बहुत ही ज़्यादा सुपर दिख रही है। अब इसके साइड की ओर जाके देखते हैं साइड में आपको क्या क्या मिलने वाला है। इसका साइड का लुक देख सकते हो, आपको इसके अंदर 17 इंचेस के स्टील रिम्स मिल जाते हैं विथ व्हील कवर्स, 275/65 R17 के टायर्स मिलते हैं इसके अंदर, ब्रिजस्टोन के टायर्स लगाए गए हैं अभी, और यहाँ पे आपको फुल व्हील आर्च दिया गया है, जो कि यहाँ पे भी अगर आप देखते हो आपको स्किड प्लेट्स दिए गए हैं। एक और जो अच्छी बात है, आपको यहाँ पे फुटस्टेप दिया गया है, तो दैट इज़ अ बिग थम्स अप। ए पिलर आपको पूरा बॉडी कलर में मिलने वाला है। अब आप इसका ORVM देख सकते हो, काफ़ी बड़ा ORVM मिल जाता है विद साइट एंड LED इंडिकेटर्स। यहाँ पे ये जो एज अ पार्ट ऑफ एक्सेसरी लगाया गया है, आपको ऊपर रूफ रेल्स मिल जाते हैं, डोर हैंडल्स जो है सब आपको बॉडी कलर में ही मिलने वाले हैं। आपको यहाँ पे फ्यूल लिड मिल जाएगा, पीछे आप देख सकते हो ये जो स्कॉर्पियो स्टिंग है वो दिया गया है, बट देन अगेन इट इज़ इन ब्लैक कलर ओनली, तो आपको कुछ ये स्पेशली हाईलाइटेड नहीं मिलता है यहाँ पे, क्योंकि ये Z4 वेरिएंट है। अब आपको पीछे का लुक दिखा देते हैं। अब आप इसका रेयर का लुक देख सकते हो, हाई स्टॉप लैंप मिल जाता है आपको, वाइपर वॉशर डिफॉगर तीनों चीज़ें मिल जाएगी। लाइट्स आप देख सकते हो, आपको सुपर LED लाइट्स दी गई हैं, लुक्स वेरी नाइस, दूर से आपको पता चल जाएगा कि इट इज़ अ स्कॉर्पियो। साइडवेज ओपनेबल डोर मिल जाता है आपको इसके अंदर, यहाँ पे महिंद्रा की ब्रांडिंग दिख जाएगी, स्कॉर्पियो एंड की ब्रांडिंग आपको मिल जाती है। बाकी अगर आप इसका बम्पर देखोगे तो आपको रिवर्स सेंसर्स मिल जाते हैं, रिफ्लेक्टर्स मिल जाएगा, एंड ये दिस इज एक्स्ट्रा एडिशनल एक्सेसरी विच हैज़ बीन एडेड। अभी ये कार सेल होने वाली, मतलब अभी आज इसकी डिलीवरी होने वाली है, उसके पहले हम लोग इसका आपको वीडियो बना के दिखा रहे हैं। अब चलिए इंटीरियर से आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों अब ये तो होगी इसके एक्सटीरियर की बातें, अब इसके इंटीरियर में जाके देखते हैं इंटीरियर से कैसे दिखती है। सबसे पहले आप इसकी की देख सकते हो, लॉक अनलॉक का स्विच मिल जाता है आपको, फ्लिप की मिल जाती है, महिंद्रा की ब्रांडिंग मिल जाएगी। दूसरी जो की है आपको नॉर्मल की मिलने वाली, इसमें आपको कुछ भी मतलब नो बटन्स और एनीथिंग। अब आप इसका इंटीरियर्स देख सकते हो, सबसे पहले आपको ये जो इंटीरियर्स है सारे के सारे आपको हार्ड प्लास्टिक में मिलने वाला है। जैसे इसके टॉप एंड में आपको सॉफ्ट टच मिलता है, लेदरेट फिनिश मिलता है, वो यहाँ पे नहीं होने वाला है, सब कुछ आपको हार्ड प्लास्टिक में है। बट देन कलर कॉम्बिनेशन वैसा ही रखा गया है, ब्लैक एंड ब्राउन बहुत ही अच्छा दिखता है। फोर डोर पावर विंडोज़ मिल जाता है, लॉक अनलॉक स्विच मिल जाएगा आपको यहाँ पे, ORVM के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, डोर हैंडल मिल जाएगा आपको, बॉटल होल्डर्स मिल जाते हैं, थोड़ा बहुत सामान रखने के जगह दी गई है, स्पीकर के वेंट्स दिए गए हैं आपको यहाँ पे, एंड लुक्स वेरी नाइस। एक्चुअली दूर से अगर आप देखोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि इट इज़ बेस वेरिएंट, मतलब Z4 नॉट द टॉप एंड। अब अंदर जाके देखते हैं कैसे दिखती है। अब दोस्तों आप इसका पूरा इंटीरियर देख सकते हो, इंटीरियर्स आपको बहुत ही ज़्यादा क्लास इंटीरियर्स मिलते हैं इसके अंदर। अगेन डोल टोल में इंटीरियर दिया गया है आपको, अच्छी यहाँ पे बड़ी सारी स्क्रीन मिल जाती है, एंड्रॉयड ऐपल कारप्ले सब कुछ मिल जाएगा आपको इसके अंदर, छोटी है बट देन ओके। यहाँ पे आपको गॉड हैंडल रखने के लिए जगह दी गई है, और ये भी जो डिज़ाइन एलिमेंट है सिल्वर का काफ़ी अच्छा दिख रहा है। AC वेंट्स दिए गए हैं, वर्टिकल AC वेंट्स, जो कि लुक को बहुत ही ज़्यादा एनहांस कर रहे हैं। आपको AC के कंट्रोल्स मिल जाते हैं आपको यहाँ पे, और दूसरे आपके जो ड्राइव मोड्स के वो सारे कंट्रोल आपको मिल जाएंगे, क्योंकि ऑटोमेटिक है। आपको Z4 ऑटोमेटिक बहुत ही कम देखने को मिलेगा, तो आई गेस दिस इज़ अ वेरी हेल्पफुल वीडियो फॉर यू गाइस। फ़ोन रखने के लिए जगह है यहाँ पे, दो आपको USB के पोर्ट्स मिल जाते हैं, ऑक्स का पोर्ट मिल जाएगा, कप होल्डर्स मिल जाते हैं, हैंड ब्रेक। बाकी अगर आप यहाँ पे देखते हो तो आपको काफ़ी अच्छा डीप ग्लव बॉक्स मिल जाता है। अब आ जाते हैं स्टेयरिंग के ऊपर। स्टेयरिंग जो है काफ़ी अच्छा, आपको लाइट स्टेयरिंग व्हील मिलने वाला है इसके अंदर, महिंद्रा की ब्रांडिंग मिल जाएगी। आपको एयरबैग्स दो मिलते हैं इसके अंदर, ऑडियो एंड कॉल कंट्रोल्स मिल जाता है, क्रूज कंट्रोल मिल जाएगा, जैसे बिग थम्स अप, और ये जो डिज़ाइन एलिमेंट ऐड ऑन किया गया है बहुत ही अच्छा दिख रहा है। अब आप इसका अंदर का जो मेन इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो देख सकते हो, आपको यहाँ पे टैकोमीटर मिल जाएगा, बीच में बड़ी MID स्क्रीन मिल जाती है, और राइट हैंड एंड में आपको स्पीडोमीटर मिल जाता है। ये देखिए कितना अच्छा दिख रहा है, ये जो ऑन एनिमेशन है बहुत ही अच्छा दिखता है इसका। बाकी यहाँ पे आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, लाइट्स यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा,
ऑटोक्रोमेटिक आईआरवीएम नहीं है तो आपको मैनुअली एडजस्टेबल मिलने वाला है, एंड यहीं पर भी कुछ भी नहीं है, अंडरस्टैंडेबल बिकॉज इट इज़ अ Z4 वेरियंट. बाकी वेरी वैल्यू फॉर मनी वेरियंट है ये एक्चुअली वेन यू कंसिडर द प्राइस पॉइंट. एंड बैठने के लिए जो सीट्स है वो भी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, लंबार सपोर्ट आपको एडजस्टमेंट हो जाता है, हाइट एडजस्टेबल सीट्स मिल जाती है. एंड यहाँ पे अभी आप देखते हो तो इसके ऊपर एक अलग से सीट कवर लगाया गया है, तो आफ्टर मार्केट एक्सेसरीज भी काफ़ी अच्छी मिल जाती है आपको इसके अंदर. एंड यहाँ पे अगर आप देखते हो तो अच्छा आपको बड़ा सारा आर्मरेस्ट मिल जाता है, आर्मरेस्ट के अंदर सामान रखने के लिए भी जगह दी गई है, सो यू कैन कीप एनीथिंग हियर एज वेल. वेरी मतलब बोलते हैं ना कि एक अच्छा कैबिन मिल जाता है इंटीरियर से. लाइट के स्टॉक्स दिए गए हैं यहाँ पे, यहाँ पे आपको वाइपर के स्टॉक्स मिल जाएंगे. ड्राइवर साइड में आपको सिर्फ एक ही चीज़ मिलती है, दैट इज़ द हेडलाइट लेवलिंग स्विच, एसी मिल जाएगा, दैट इज़ ऑल इट इज़ फ्रॉम द फ्रंट. अब पीछे जाके देखते हैं कैसा है. एक और अच्छी बात बता देता हूँ स्टीयरिंग व्हील का, आपको एडजस्टेबल स्टीयरिंग व्हील मिल जाता है. उसके साथ ही ये जो स्टीयरिंग व्हील है, क्योंकि ये ऑटोमेटिक है, इसके अंदर आपको इलेक्ट्रॉनिक स्टीयरिंग व्हील मिलने वाला है. इसका जो लोअर वेरिएंट है या इसका जो Z4 मैनुअल वेरिएंट है उसमें आपको हाइड्रोलिक मिलता है, बट इन दिस इलेक्ट्रॉनिक मिलता है, तो बहुत ही ज़्यादा इजी है यूज़ करने के लिए स्टीयरिंग व्हील. थर्ड सुना दोस्तों आपने, बढ़िया तो थर्ड मिल जाता है, 5-स्टार गाड़ी जो है. अब अंदर आप देख सकते हो काफ़ी अच्छी जगह मिल जाती है, बहुत ही आराम से बैठा हूँ मैं, अच्छी नी रूम मिल जाती है, हेडरूम काफ़ी अच्छा मिल जाएगा आपको, वेरी कंफर्टेबल सीट्स मिल जाती है, तीन लोग बड़े ही आराम से बैठने वाले हैं. अगर तीसरा बंदा नहीं बैठता है तो आपको इसके अंदर आपको आर्मरेस्ट भी मिल जाता है, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो. हेडरेस्ट दिया गया है आपको, और पीछे भी जो सीटिंग है आप देख सकते हो बड़े ही आराम से दो लोग पीछे भी बैठ सकते हैं. बाकी अगर आप यहाँ पे देखते हो तो आपको एसी वेंट्स दिए गए हैं, एसी का कंट्रोल यहीं पे आपको मिल जाता है. टाइप सी का पोर्ट दिया गया है, दैट इज़ अ बिग थम्स अप. आगे भी दे सकते थे मेरे हिसाब से, बट ओके, दैट इज़ ऑल इट इज़. आपको यहाँ पे पीछे एक लाइट दी गई है, आगे एक लाइट दी गई है, या वेरी गुड नो नॉनसेंस इंटीरियर्स ऑफ दिस कार. अब दोस्तों इसके इंजन स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात कर लेते हैं. आपको दो इंजन ऑप्शंस मिलने वाले हैं, पेट्रोल एंड डीजल. पेट्रोल जो आपको 2 लीटर पेट्रोल के साथ आएगी, एंड डीजल 2.2 लीटर का मिल जाता है इसके अंदर. पावर फिगर्स अभी आपको फ्लैश करते हुए दिख जाएंगे. ओके दोस्तों, आई होप आपको क्विक वॉक अराउंड वीडियो पसंद आया हो. पसंद आया तो डेफिनेटली लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू 48 ऑटोमोबाइल्स. अगर आप बैंगलोर से हो और आपको ये कार बुक करनी है, देन यू कैन डेफिनेटली कम डाउन टू इंडिया गैरेज. VST ग्रुप का महिंद्रा शोरूम है, बहुत ही अच्छा शोरूम है, इनके सर्विसेज ऑल्सो रियली टॉप नॉच. यहाँ पे आइए, जो पसंद आ रही है उसको बुक कर लीजिए. Until the next video, drive safe, be responsible. Peace, bye. Jai Hind, Jai Bharat.